बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। और आज आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। आज आपके लिए सरप्राइज़ भी है, वो सरप्राइज़ मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा। अभी ना छत बहुत गंदी हो रही है, सबसे पहले मैंने इसकी यहाँ की सफाई कर देता हूँ। हालाँकि मैंने ना दो दिन तीन दिन पहले सफाई की थी, लेकिन अब हमारे सेटअप पर ज़्यादा जानवर हो गए हैं जिसकी वजह से बहुत गंदे हो जाते हैं, तो जल्दी से ना मैंने यहाँ की सफाई कर देता हूँ। देखें, इनकी सफाई कर दी है और अब मैं इनको खाना डालूँगा। मैं आज ना इन्हें ना मुर्गियों को सब्जी के छिलके डालूंगा। बहुत दिन हो गए उन्होंने सब्जी के छिलके नहीं डाले। हम ना अपने बकरों को डाल देते थे और इन्हें हम दाना खिलाते थे। तो ये देखें, अभी मैं ना ये सब्जी का छिलका ले आया हूँ और अभी मैंने इसके पीसेस कर कर अपनी मुर्गियों को डाल देता हूँ। तो अभी मैंने ना इनके पीसेस कर दिए, छोटे छोटे मैंने पीसेस कर दिए और अब मैं इन्हें खोल देता हूँ। तो अभी मैंने ना इन्हें खोल दिया, अभी अपना ना खा लेंगी और इसको मैं उठा लेता हूँ। शुक्र है तुम आ गए। क्या चिड़िया का बच्चा? ओ यार, ये क्या है? इधर दिखाओ, ये उड़ता नहीं है? नहीं, ये देखो कैसे ना छोटा सा चिड़िया का बच्चा है। कहाँ से मिला? ये इधर में खेल रहे थे ना, फिर वो ऊपर से उड़ के आया, नीचे गिर गया, मैंने पकड़े, उड़ा ही नहीं। ये अभी ना बच्चा है, देखो दोस्तों कैसे ना छोटा सा एक ना चिड़िया का बच्चा है। इन्हें ना तोतों के साथ छोड़ दो। ये देखो उड़ता भी नहीं है। हाँ, उड़ता है नहीं है ना ये? ये देखें कैसे ना बैठा हुआ है। ये देखो बिल्कुल ना थोड़ा सा उड़ पाता है। अभी ये दाना भी नहीं खाता होगा यार। ये कहीं उसका ही तो नहीं, वो जो हमारे पंखे में आके मरी है? नहीं, उसका तो नहीं ना, वो तो दूसरी तरह की चिड़िया थी, है ना? ये देखो इसकी चोंच भी लंबी है। इन्हें ना बजीज के साथ छोड़ दो, मारेंगे तो नहीं इन्हें? नहीं, वो क्या कहेंगे, वो भलके ये उन्हें मारेगा। चलो जाओ छोड़। तो अभी मैं ना सबसे पहले ना इसको अलग अलग हिस्सों में ना बांट देता हूँ। तो अभी मैंने ना इन्हें ना दो जगह पे बांट लिया और अभी उसकी आवाज़ में कैसे ना बोल रहा है वो। और ना आपके लिए आज खबरें भी है हमारे पास ना, जो दो ना नए बकरे आए हैं। ये देखिए, ये माशाल्लाह एक ये वाला है, ये हमारे ब्लैक वाले की तरह है, लेकिन ये माशाल्लाह थोड़ा सा प्यारा है, ये ना उससे थोड़ा सा अच्छी नस्ल का है। ये जो है ना, ये इसे खाने नहीं देते, इसलिए आज मैंने इसे अलग डाला है। और वो देखें, एक वो वाला जो वाइट है ना, ये वो देखें, वो वाला जो बैठा हुआ है, एक वो है नया, वो देख कितना माशाल्लाह सबसे प्यारा जो मुझे लगा है ना, ये वाला और ये वाला सबसे प्यारा लगता है मुझे। अभी मैंने जल्दी से ना इन्हें बिना खाना रख लेता हूँ, इधर रख देता हूँ ताकि ना मैं उन दोनों प्रांतों को इकट्ठा रख सकूँ। अभी मैं ना दूसरी भी ले आता हूँ। देख रहे हैं कैसे ना वो बोल रहे हैं। अभी उठा के ना मैं इसे ना अंदर रख देता हूँ। अभी मैंने ना इन दोनों को रख दिया उसमें। और अभी मैं ना इन्हें भी रख देता हूँ। अभी ना इससे इसके अंदर ना खाए नहीं जा रहे थे, ये ना इस वजह से नहीं जा रहा था, मुझे लगा शायद ये ना ऐसी बोल रहा है। तो अभी मैंने इसके अंदर डाल लिया और मैंने इसे रख देता हूँ। खा लो भाई। अब ये ना आराम से खाएगा बैठकर। अब ये खा लेगा तो मैं इसे भी यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। अभी मैंने इसे ना इसलिए यहाँ पर रखा हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया है
ये जो है ना इसे बिल्कुल नहीं खाने देते, ये खाता स्लो स्लो है और ना ये जल्दी जल्दी खाते हैं तो ये ख़त्म कर देते हैं, ये भी खा ही रहा होता है। तो इस वजह से अभी मैंने इसे यहाँ पर रखा है क्योंकि यहाँ पर छाँव भी है। अब मैं ना अपने बजीज के पास आया हूँ, ये देखें ये ना कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ना ताकि ऊपर नीचे ना जाए, अब हमने यहाँ पर एक इन्होंने इधर सुराख किया हुआ है, एक उस जगह पर सुराख किया हुआ है और एक इधर सुराख किया हुआ है। इधर से आते जाते थे, इधर भी एक सुराख किया हुआ था लेकिन वहाँ से आते जाते नहीं थे। अब हमने इधर भी इंटर रख दिया। इस वाले केज में ना तीन हमने ना ईंट रखी है, ये देखें इन्होंने हर जगह पे सुराख किया हुआ है। और ना ये जो ये देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर से हटी हुई है ये भी इन्होंने ही खाई है। और अब ये देखें ये जो आपको दिख रहा होगा दरवाज़ा भी इन्होंने ही खाया है। ये ना पता नहीं तोते हैं या फिर पता नहीं क्या चीज़ है। और ये देखें ये भी ना इधर बैठा हुआ है मज़े से। और अभी हमने ना यहाँ पर चार बजे हमने इधर रखे हैं और इसके अंदर भी बस एक ही ईंट है। और इधर ये इसको देखें कैसे ना बैठी हुई है, बिल्कुल पास नहीं आने देती, ये देखें मारती है। और अब तो मैंने ना इनका केज भी खोला हुआ है ताकि ये बाहर आए, और मैंने इनके लिए पानी भी रखा हुआ है। आपने हमारे कल वाली वीडियो में शायद देखा हो कि ना ये तो है ना नहा रहे थे ताकि ये बाहर आए, थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे लेकिन नहाए नहीं थे। तो अभी ना ये ना बाहर नहीं आ रहे, तो अभी ना देखें इनके पास पानी भी नहीं है। तो अभी मैंने इसके अंदर से ना पानी भर के इन्हें रख देता हूँ, ये साफ है। वो अभी बैठी हुई है। तुम भी भाई जल्दी से कोई खुशखबरी दो, कोई थोड़ी सी खुशखबरी दो। और इन्होंने ना हमारा बहुत नुकसान किया, इन्होंने कल 5 अंडे तोड़े थे जिनमें से 4 में लाइफ थी और एक अंडा खराब निकला था। इन्होंने ना हमारा बहुत नुकसान कर लिया। हम ना इनके लिए यहाँ पर एक मास्टर केज बनवाएंगे ताकि ये वहाँ पर रहें और कि अंडे भी ना फेंके और बच्चे भी दें। ये देखिए ये जो है ना ये ज़्यादा बदमाश बन गया, ये ना इनको इन्हें ना मारते हैं ना। और जो अब्दुल्ला को बाहर से एक चिड़िया का बच्चा मिला है ना, हमने इसे बस ना रेस्क्यू किया है, मतलब ये अभी बच्चा है, ये ज़्यादा उड़ भी नहीं सकता, इसको कोई बिल्ली वगैरह पकड़ कर खा जाएगी, इसलिए हमने इसे यहाँ पर रखा हुआ है। इंशाल्लाह जब ये उड़ने लग जाएगा तो हम इसे आज़ाद कर देंगे। हाँ ये आज़ाद परिंदा है इसलिए हमें इसे कैद नहीं रखना चाहिए, तो जल्दी से ना हम ना इसे भी आज़ाद कर देंगे। अरे ये देखें कैसे ना बैठा हुआ है, ये उड़े और वो बेचारा आराम से बैठा हुआ है। मैं ना इसके अंदर भी दाने चेक कर लेता हूँ, भी इसके अंदर भी दाने नहीं है। ये हमने बाहर के परिंदों के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। जब हमने अपने स्नो और फ्लैश के घर बनाया था ना तो उधर से सीमेंट बच गई थी, तो मैंने कहा था कि नहीं ये मैं लगा देता हूँ। ये देखें ये मैंने यहाँ पर पक्का करवा लिया ताकि कोई परिंदे से नीचे ना गिरा पाए। ये इनका पानी का है, पानी इसके अंदर है लेकिन दाना मैं डाल देता हूँ। इस तरह के आपको पता है कि अब ना गर्मियाँ आ गई हैं, तो इस वजह से ना मैंने इनके लिए ये लगवाया ताकि परिंदे यहाँ से खाना खाएं और पानी पिएं और हमें दुआएं भी दें। और आपको भी आप भी ना गर्मियों में परिंदों के लिए कोई बर्तन में पानी और दाना रख दिया करें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल विलेज पेट लवर्स को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।